औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, नसीर लियास। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इस्लामियत लाजमी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये आपको पेपर में आएंगे जी तीन, जिसमें से आपने दो करने होंगे। 8 नंबर का एक होगा, 16 नंबर के आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ये। तो आइए जी इनको देखते हैं और करते हैं। आपने इनको याद कर लेना है, बुक पर निशाना लगा लें, तो फिर मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा। आप वहाँ से भी कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है या इनके आपको आंसर नहीं मिलते तो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, रसालत मोहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूसियात तफसील से बयान कीजिए। इस्लाम में अकीदा की अहमियत बयान कीजिए, नीज इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात की वजाहत कीजिए। ये बड़े अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा के असरात, ये भी सेम ही है, दूसरा तीसरा एक ही हो गया। कुरान मजीद की अहम खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ये क्वेश्चन नंबर 5, औलाद के हकूक कुरान और सुन्नत की रोशनी में तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, इस पर एक जामे नोट लिखें। फिर उसके बाद मियाँ बीवी के हकूक फ़राइज़ बयान कीजिए। नंबर 8 है, ज़कात के मुआशी और मुआशरती फ़वाइद तफसील से लिखिए। ज़कात के मसारिफ़ और ज़कात का नसाब तफसील बयान कीजिए। ज़िक्र से क्या मुराद है, ज़िक्र इलाही की इकसाम और इसके फ़ज़ाइल तहरीर कीजिए। जहाद के लघवी और इस्तिलाही मायनी तहरीर कीजिए, नीज जहाद की इकसाम तफसील से बयान कीजिए। फिर उसके बाद अहद रसालत और अहद खिलाफत में तदवीन हदीस पर नोट लिखें। तदवीन कुरान पर तफसीली नोट लिखें। और उसके बाद है जी कुरान मजीद की खूबियाँ तहरीर करें। और लास्ट पे है जी हमारे पास मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात। ये वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह आपके इनमें से आपको ज़रूर 3 के 3 ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छी तरह आपने पढ़ लेना, याद कर लेना। उसके बाद मैं आपको इसके आंसर बस दिखा देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। आपने जो भी क्वेश्चन इनमें से याद करने होंगे आप वो ईजिली याद कर लेना। ले जी ये हमारे पास आ गया जी लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहला रसालत मोहम्मदी की खसूसियात, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लें, वरना ऐसे ही याद करना है तो वीडियो को रोक के आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जी 7 पॉइंट तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये आ गया जी हमारे पास, अब सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। ये यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज इसका मैं आस्ते इसको आगे चला देता हूँ, ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट करना हुआ तो स्क्रीनशॉट आप इसका कर लें, या वीडियो को स्टॉप करके तो फिर भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इसका पहला हिस्सा हमारे पास हो गया। उसके बाद ये इसका पॉइंट शुरू हो गया, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट इसमें कवर हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी क्या है। ये नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास, ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन 4, ये इसका पहला हिस्सा, ये जी कुरान मजीद की अहम खसूसियात बयान कीजिए। उसके बाद इसका ये दूसरा हिस्सा हमारे पास आ गया। उसके बाद जी आ गया हमारे पास औलाद के हकूक कुरान और सुन्नत की रोशनी में, लॉन्ग क्वेश्चन 5, ये इसका पहला हिस्सा आ गया। उसके बाद जी ये इसका हमारे पास आ गया जी दूसरा हिस्सा। छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन इतने बड़े नहीं है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नंबर 6 पे आ गया जी पहला हिस्सा इसका, बीच में कुछ इसके वर्ड खराब हैं, मिसिंग है, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद ये आ गया इसका नेक्स्ट, ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है इसका 7वां लॉन्ग क्वेश्चन, ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद जी इसका ये आगे खत्म हो गया, थोड़ा सही है। ज़कात वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, ये
इसका पहला हिस्सा ये और ये दूसरा बे पॉइंट से शुरू हो रहा है, बस ये इतनी खत्म हो गई यहाँ पे। ज़कात के मसारिफ आ गए नेक्स्ट हमारे पास, ये 8 मसारिफ हैं ज़कात के, और उसके बाद नीचे ज़कात के मसाइल आ गए सब बस। उसके बाद 10वां लॉन्ग क्वेश्चन है, जिक्र से क्या मारा, जिक्र इलाही के फ़ज़ाइल, पहला पेज इसका ये, जिसका दूसरा पेज साथ ये पूरा हो गया। नेक्स्ट जी 11वां लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक पेज हो गया इसका। दूसरे पेज में थोड़ा सा है इशू, इसमें ये है कि वो थोड़ा दूसरी तरह है, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि ये एक पेज पे आपको शो हो जाए इस तरह। अब आपने क्या करना है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, बाद में फिर इसको सीधा करके याद कर लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है जी 12वां लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद 13वां जो है ना वो भी सेम ऐसे ही है, उसको भी मैं सीधा थोड़ा जूम आउट करके एक पेज पे सारा शो हो गया। अब आप इसको आराम सुकून से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सीधा करके इसको याद कर लेंगे। ये है जी तदवीने कुरान पर तफसीली नोट लिखी है, ये तो छोटा सा ही है तदवीने, और नीचे 14वां है इसके, देखें 13वां, और ये नीचे सारी 14 है इसके, और 15वां ये है इसके। दो ही से कर लेते हैं इसको, एक ही सही है, कहाँ पर कर लें, शेयर वगैरह अगर आपने ऐड करने हो तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट पे आ गया जी 15 वाला क्वेश्चन, वास्ते कुरान पर नोट लिखें मक्की और मदनी सूरतों की वजाहत खसूसियात, ये आ गई। ये लास्ट पेज आ गया, लेकिन ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, आपने अपने हिसाब से इसको याद कर लेना है। शुरू से आपको क्वेश्चन बताया थे, ये अगर आप बुक पे निशान लगा लेंगे ये आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। अगर इसका आंसर नहीं मिलता तो इस वीडियो से भी आप इसका आंसर देकर याद कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।